को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमांकित करने की कृपा करें, धन्यवाद। पोखराज अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करता हूँ। मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय प्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रदेश में 8 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन खोले हैं, जो जोधपुर, जमरोड़ी, सरदार शहर, सांगरिया, डबो, भुसावर, अतुंडी और उदयपुर है। इनको कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन में क्रमोन्नत किया गया था, जो वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं, परंतु राज्य सरकार द्वारा इन्हें बजट नहीं दिया जा रहा है और न ही विगत वर्ष में बजट प्रावधान को भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को अनुदान या आवंटन हेतु नहीं भेजा है, जिसके कारण उक्त संस्थानों में कार्यरत सभी 68 कर्मियों को विगत लंबे समय से वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। इससे सभी कर्मचारी, उनके परिवारजन आर्थिक तंगी से गुजरने के कारण मानसिक रूप से भयंकर परेशानी एवं पीड़ा झेल रहे हैं। संबंधित संस्थाओं के कार्मिकों द्वारा उचित विभिन्न माध्यमों से राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को पत्रव्यवहार किया गया, परंतु विडम्बना की बात है कि दोनों सरकारों एवं विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण पीड़ितों की मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे भी भयंकर बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा लिखा गया कि उक्त सभी विद्यालयों महाविद्यालयों का कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन का दर्जा वापस लेकर इन संस्थानों में कार्यरत कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी जावे, जो न्यायोचित नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में तत्परता और मानवता दिखाते हुए 68 कर्मियों के बकाया वेतन के भुगतान हेतु बजट का प्रावधान कर संबंधितों को तत्काल भुगतान हेतु निर्देश जारी करवाएं। साथ ही उक्त कर्मियों को केंद्र सरकार द्वारा प्रचलित समग्र शिक्षा अभियान के मद से समायोजित कर उनका उक्त मद में ही निमंत्रीकरण किया जाए कि प्रस्ताव पर केंद्र सरकार को भेजकर स्वीकृति प्राप्त करें तथा उक्त कार्मिकों को यथावत सेवा रखते हुए कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन को समग्र शिक्षा समायोजन कर इसे न्याय प्रदान कर अनुग्रहित करावे। कैलाश चंद मीणा, सुरेश टांक, विधानसभा